हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम खेलने वाले एक नया गेम, ब्राइट मेमोरी मोबाइल। और यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे ये 170 रुपीज़ का, इसको मैं परचेज़ कर लेता हूँ। ये मैंने परचेज़ कर लिया है, अब इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाहर के थर्ड पार्टी स्टोर से डाउनलोड मत करो, क्योंकि होता क्या है ना, उनमें ट्रोजन वगैरह होते हैं। लेकिन अगर आपको करना ही है तो आप कर सकते हो, ये आपके रिस्क के ऊपर है। बाकी ये वाला गेम हमें रिकमेंड किया था हमारे ही सब्सक्राइबर ने। तो अगर आप कोई भी ऐसा गेम देखना चाहते हो जिसको आप पसंद करते हो और लोगों में इतना पॉपुलर नहीं है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और फिर मैं उस गेम को टेस्ट करूँगा। तो वो सब्सक्राइबर कौन है उनका मैं लास्ट में बता दूँगा। अभी ये गेम स्टार्ट करते हैं। इस गेम का नाम है ब्राइट मेमोरी और ये पूरा का पूरा एक्शन गेम है। इसका नाम पे मत जाना ब्राइट मेमोरी, मुझे लगा था कोई मेमोरी का पज़ल वगैरह का गेम होगा, लेकिन ये FPS शूटर गेम है और काफ़ी ही शानदार गेम आता है ये। हम इसको खेलेंगे पूरा का पूरा और देखेंगे क्या ये इस गेम में क्या क्या ऑफ़र करने को मिलता है। ये न्यू गेम हमने स्टार्ट कर दिया है, सेटिंग्स वगैरह सब सेट कर दिए हैं और यहाँ पे ये गेम स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये इसका ओरिजिन चाइना से हुआ है और ये जो गेम है ये पूरा का पूरा गन और कॉम्बैट बेस्ड गेम है, FPS शूटर गेम है। काफ़ी शानदार सा गेम लग रहा है अभी स्टार्टिंग में, तो ये देख सकते हो आपकी स्टोरी चल रही है यहाँ पे। इस लड़की का कैरेक्टर प्ले करेंगे हम। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं इसकी क्या एक्शन स्किल्स हैं। शूटिंग तो भाई काफ़ी शानदार शूटिंग है। ये पूरे स्टोरी मोड का गेम लग रहा है मुझे, पूरा का पूरा स्टोरी चलेगी है और उस पर हमें पूरा का पूरा स्टोरी मोड पे ये गेम खेलना है। तो ओवरऑल भाई काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स दिख रहे हैं स्टार्टिंग में, फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा है इसका। तोड़ दिया, अंदर जाएंगे भाई। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार ये वीडियोस बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगते हैं। तो अगर आपके लाइक से ना मुझे मोटिवेशन वगैरह मिलता है और सब्सक्राइब करने से यार नंबर बढ़ जाते हैं जल्दी में। हमारा टारगेट गोल पूरा करना है इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छे स्किल्स हैं इसके, ओवरऑल शूटिंग वगैरह काफ़ी शानदार हो रही है इसमें। यहाँ पे एंड पे जाना है, ये पूरा का पूरा मिशन हमें फॉलो करने हैं, कुछ भी हमें अलग से नहीं करना होता है इसमें। मिशंस जो दिए हैं वो पूरे के पूरे मिशन स्टोरी मोड में चलते रहेंगे और वो हमें फॉलो करते रहना है। तो ये पूरा का पूरा गेम उसी पे बेस्ड है, एक स्टोरी पे जो कि ये स्टोरी चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे मुझे लग रहा है आगे जाके। ओवरऑल तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी मस्त था, 170 रुपीज़ के हिसाब से वर्थ इट गेम लग रही है अभी तो। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हम कहीं जा रहे हैं, टाइम ट्रैवल हो जाएगा शायद। और यहाँ पे टाइम ट्रैवल हो चुका है और ये पता नहीं कहाँ लैंड करेंगे, पता नहीं। ग्राफिक्स आप खुद देख सकते हो काफ़ी शानदार ग्राफिक्स हैं यार। ओवरऑल जो इसकी क्वालिटी है काफ़ी सही सी लग रही है। के पास स्वॉर्ड वगैरह भी है तो उससे भी अटैक कर सकते होंगे शायद। ओवरऑल तो यार काफी मस्त गेम है, ग्राफिक्स आप खुद देख सकते हो। ये 2020 में लॉन्च हुआ था ये वाला गेम, चाइना की तरफ से इसका ओरिजिन है और चाइनीज लैंग्वेज में ही ये पूरा बोल रहा है। इससे अटैक करते हैं। और ये ब्लड का जो इफेक्ट आ रहा है वो भी काफ़ी ओरिजिनल दिख रहा है यहाँ पे। आगे जाके देखना है क्या करना है, स्लाइड हो गया। और ये पूरा टाइगर का कुछ हाइब्रिड वर्जन, इसको अटैक करना पड़ेगा भाई साहब। बाप रे, अच्छा ये बोल रहा है दबाओ, चपट ही गया एक बार में। रिपावर थी स्किल्स, मतलब एक बार दबाओ पूरे निपट ही जाते हैं उसमें। हो रहे यहाँ पे ये दबाया, उड़ गया। अच्छा इससे दबाने से उड़ जाते हैं। अरे एक और एनिमी आ गए भाई, ये कितने एनिमीज आए हैं।
ग्राफिक्स तो काफ़ी सही है यार, लिखा है डॉज करना है। ये डॉज कर दिया हमने और आगे तो भाई बहुत ही खतरनाक लोग दिख रहे हैं, इनको तो पता ही कैसे निपटा। और ये फील्ड वाले भी आ रहे हैं यार, कहाँ कहाँ से पैदा हो रहे हैं, जमीन में से उग रहे हैं। ओवरऑल तो भाई काफ़ी शानदार गेम प्ले आप देख सकते हो भाई, ऐसे ही रिकमेंडेशन में गेम्स चाहिए यार, और कमेंट करो ताकि और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग गेम्स खेलूं। और अगर आपको इसका ही कंटिन्यूएशन चाहिए तो वो भी कमेंट करना, आपके कमेंट्स पढ़ के ना जो खुशी मिलती है वो अलग ही होती है, तो इसलिए कमेंट्स करना ज़रूर। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं और नए नए गेम्स खेलूँगा, ये रियलमी एक्स सेवन मैक्स में खेल रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने बताया पहले, आपको पता ही होगा पहले से। अरे वो तो धुन बना के आ रहा है, पीछे पीछे भागना पड़ेगा, पूरे में आ रहे हैं, बता दिया और आ गए भाई। अरे 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 तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई, अभी हमें ट्रायल तो कर लेते हैं, बेसिक ही नहीं समझ पता हमें, और वो पूरे इतने सारे आ गए, स्वॉर्ड वगैरह ऊपर से पड़ती है, ये मार दी स्वॉर्ड। ओवरऑल तो काफ़ी सही लगा यार, ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी इंटेंसिव ग्राफिक्स इंटेंसिव वाला गेम है। बहुत सारे अंडररेटेड गेम्स होंगे जो हमें पता नहीं है। अब जैसे एक सब्सक्राइबर ने हमें ये कमेंट करके बताया ब्राइट मेमोरी, तो पहली बार जब मैंने इसका नाम पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि ये ब्राइट मेमोरी कोई मेमोरी बेस्ड गेम होगा, लेकिन एक्चुअली में ये एक एक्शन FPS गेम निकला और काफ़ी अच्छा निकला। तो ये ऐसे अंडररेटेड गेम्स होते हैं जिनके नाम थोड़े से अपने सोने भी नहीं होते, लेकिन जब हम उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं तो काफ़ी सही से लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक जो ग्राफिक्स का डिज़ाइन है इन्होंने काफ़ी शानदार बनाया। यहाँ से जाना कहाँ है, जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बना तो हुआ है, यहाँ जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी चट्टान है ऊपर, इस पे जाएंगे कैसे, अच्छा ये सीढ़ियाँ आएंगी। अरे और गिर गिर गए पहाड़ वहाड़, ऊपर जाना मुझे लग रहा है, वहाँ से जो एनर्जी निकल रही है वहाँ पर जाना है। ये देख सकते हो आप पेड़ वेड़, पूरे ग्राफिक्स काफ़ी सही से बना है। आगे जाके वहाँ जाना है, वहाँ पे वहाँ तक कैसे जाएंगे, यहाँ टर्टल वगैरह भी हैं। ये क्या मिल गया हमें, डिस्क फ्रैगमेंट, ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी मिलते हैं रास्ते में। और यहाँ पे टर्टल भी है, ये टर्टल को क्या पाल सकते हैं अपन, तो मार रहा भाई, मार रहा भाई, टर्टल भी मार रहे हैं, बताओ जरा हद हो गई यार। यहाँ पे ऊपर वापस से आ गया मैं, ऊपर वहाँ से रास्ता नहीं था तो यहाँ से जाना है हमें ऊपर से, जो ऊपर से हम जाएंगे इधर पे, कहाँ से जाएंगे यार रास्ता समझ में नहीं आ रहा, नीचे तो कोई है नहीं, उधर ही जाना होगा लास्ट में, वापस से वहीं चलते हैं। कहीं से ऊपर से रस्सी से बांध के कहीं से जाना पड़ेगा, हाँ ये दिया है ना ऊपर यार, ये यहाँ, वही मेरे को लग रहा था, क्योंकि ऐसे तुम नॉर्मली तो जंप करके जा नहीं सकते। जंप आ गए भाई, अंदर आ गए बिल्कुल ही, देखो यार अब कौन कौन से बॉसेस मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर जगह तो इतने सारे जाते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। अब यहाँ पर हमें लॉन्ग जंप मारना है, सामने दिख रहा नीचे कांटे हैं, दौड़ लगा के तुरंत फटाक से कूद जाएंगे। अरे कूद गए भाई, बच गए, कांटों में घुसते तो निपट ही जाते एक ही बार में। ओवरऑल तो भाई काफ़ी सही का दिया है ये पूरा का पूरा, और आ गए भाई, और आ गए, और लोग आ गए, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने खेला इस टाइप का, मतलब मोबाइल में ये मतलब पीसी लेवल का दिख रहा है आपको, मतलब ग्राफिक्स इतने सही से, और ऊपर से यहाँ पे जो इफेक्ट्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी सही हैं, और आपके पास गन है लेकिन एनिमीज़ जो हैं वो नॉर्मल आपकी तरह नहीं है, हर तरीके के हैं, मतलब ये देख सकते हो ज़ॉम्बी टाइप के एनिमीज़ आ रहे हैं यहाँ पे पूरे, ये अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है भाई, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि आप प्ले स्टेशन में खेल रहे हो, सेम टू सेम इंटरफेस लग रहा है बिल्कुल। चाइना वाले गेम तो अच्छे डेवलप करते हैं, BGMI PUBG वगैरह इन्होंने जो डेवलप किया था टेंट ने, यहाँ पर भी ये चाइनीज़ कंपनी गेम्स जो हैं वो काफ़ी सही से लग रहे हैं यार ओवरऑल। तो यहाँ पे और आ गए भाई, निपटा दोगे क्या, उड़ा दिया मैंने सबको, ऊपर उचका दिया है, ये वाली पावर थी लेकिन उचका के लपेट दो पूरे को, और आ गए भाई, और आ गए,
सही नहीं है भाई, इसके बाद एक आते जाते हैं और ये लो आग भी निकल रही है साइड में, खोपड़ी खोल दी। ओवरऑल ग्राफिक्स तो काफ़ी सही लग रहा है यार, किलिंग विलिंग के मज़े आ रहे हैं मेरे को। ये देख सकते हो खोपड़ी खोलते हुए। अब यहाँ पे एक पजल सा आ गया, ये पूरा पजल सॉल्व करके ही आपसे मिलते हैं अब। ये पूरा का पूरा पजल है, इस पर हम खड़े होंगे तो ये पूरा का पूरा चेंज होगा और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा नए नए तरीके, मतलब ये पूरी पूरी लाइटों में मैच करना, तो ये मैच करके मैं जल्दी से मिलता हूँ आपसे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी मैच होने वाली है, हो चुकी है, और ये पजल हमने कर दिया है सॉल्व। और यहाँ पे देख सकते हो अब ये गेट खुल चुका है, अब इस गेट में हम जाएंगे और देखेंगे आगे क्या देखने को मिलता है। ओवरऑल तो भाई काफ़ी सही सी गेम लगी है, पीछे नहीं जाना भाई आगे जाना है, मैं तो भूल जाता हूँ ऐसे FPS में कभी कभी। ओवरऑल तो काफ़ी सही सी गेम लगी यार, ऐसी गेम तो मैंने खेली नहीं थी और सही लग रही है ये गेम। मोबाइल पे नहीं खेली थी, मतलब प्ले स्टेशन वगैरह में तो हम खेल चुके हैं, मोबाइल लैपटॉप वगैरह में कासलवेनिया टाइप्स खेल चुके हैं, लेकिन ये टाइप की गेम नहीं खेली मोबाइल में। तो मोबाइल में स्टोरी मोड की गेम काफ़ी सही लग रही है मुझे, ब्राइट मेमोरी। यहाँ पे देख सकते हो आप सामने ये लोग दिख रहे हैं, इनके पास जाके निपटाना है इन्हें मुझे लग रहा है। इधर पे ही जाएंगे हम जल्दी से, तोड़ देंगे इस गेट को। पल्स की EMP पल्स मारेंगे, टूट जाएगा। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और कोई भी गेम नई आपको पता है ना तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी Realme X7 Max में एक बैटरी वाली वीडियो भी आने वाली है, पूरी बैटरी मैंने टेस्ट करी है एक हफ्ते तक, उसके बाद 8.20 में कैसी आपको बैटरी बैकअप मिल रही है वो पूरी वीडियो आने वाली है, उसको देखना मत भूलना। यहाँ पे देखो अब ये नॉर्मल इंसान है, इनको नुकसान है, तो ये तो अपनी से पावर का यार, और डॉज वॉच कर रहा है तो हमसे मर भी नहीं रहा। नए नए बॉस आ जाते हैं, ये देखो ये देखो, वो नहीं मरेगा भाई, इतनी गोली खा ली मैंने, मर गया, अब मरा। लो एक और बॉस, बॉस के बाद बॉस आते जाते हैं भाई, चेन ही नहीं देते, साथ ही नहीं देते बिल्कुल। ये देखो एक बार एक और आ गया, और अब आप डॉच कर भाई डॉच कर, बहुत ही इंटेंस, मतलब वो तो अभी से ही समझ रहे हैं आपसे, एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आप बिल्कुल प्रो बन जाओ, एकदम से दे रहा है बिल्कुल बॉस रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात, उनके चमके भी आ गए, जॉम्बी को तो उड़ा दिया, उड़ा दिया, अब उड़ा दिया भाई, ये डॉज करते रहना पड़ेगा हर सेकंड में वरना ये तो निपटा ही देगा। खोपड़ी खोल दी, ये ग्राफिक सही लग रहा है यार, खोपड़ी खोलने वाले बिल्कुल, खोपड़ी खोल रहा है को नहीं निपटाएंगे वो आते जाएंगे बड़े वाले को निपटाएंगे। अरे मार दिया भाई, मार दिया मार दिया, चलो ये बड़े वाले को निपटा दिया भाई, अपन मरे नहीं अभी तक, आगे और जाएंगे देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे क्या मिलता है, देखते हैं आगे यहाँ क्या है, यहाँ कुछ है क्या, यहाँ कुछ भी नहीं है, आगे देखना पड़ेगा, आगे का आ रहा है पूरा का पूरा साइन, वहाँ पे जाना है, यहाँ से लटक के जाएंगे। ये आग लगी हुई है, ये आग वगैरह के देखो आप बिल्कुल ग्राफिक्स बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है ना, बाकी जगह आप आग देखते थे तो कार्टूनिश टाइप की आग है भाई, वो लोग चेन नहीं लेने देंगे आपको, आप जैसे मतलब एकदम ऐसे नॉर्मल होके खेलोगे ना बीच में कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। ये हमने खोल लिया है ब्रिज, ब्रिज के पार देखो देखो ऊपर भी आ गए भाई, ये ड्रैगन ड्रैगन आ गए पूरे। ओवरऑल तो भाई बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग गेम है यार, मतलब आपने एक बार इसको इंस्टॉल कर लिया अब इसकी स्टोरी ख़त्म करे बिना नहीं हटोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्राफिक्स इसके हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव है, तो जो स्टोरी इसकी चल रही है मतलब इतनी जल्दी जल्दी ये लोग आ रहे हैं और जितनी जल्दी जल्दी इसमें हमारी इंगेजमेंट बढ़ रही है ना वो कहीं निराश नहीं कर सकते, आप देख सकते हो
के जॉम्बी भी आते जा रहे हैं फटाफट से, अभी ऊपर भी आ गए भाई फिर से डबल से, इनको मारना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पे देखो एक और उड़ रहा है, चलो सबको क्लियर कर दिया, ये भी ले लेंगे जो मिला है हमें मारने के बाद। इससे हमारे शायद पॉइंट्स वगैरह बढ़ जाते होंगे, पावर अप के लिए काम आएंगे ये सब। यहाँ पे क्या मिल गया, बोन फायर लेट हो चुकी है, जल्दी से आगे चलते हैं देखते हैं क्या है अंदर। पूरा का पूरा मतलब जो गेम प्ले है इसका काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव लगा मुझे। और ये जेड स्टैचू मिल चुका है, और यहाँ पे गेट ओपन करने का आ चुका है, इसको गेट को ओपन कर देंगे फटाक से। यार ओवरऑल तो काफ़ी सही से लग रहा है, ये क्या टेलीपोर्टेशन वगैरह है क्या कुछ, रिएक्शन टू मोर एनर्जी सम मोर इंटेंस। एक और बॉस आ चुका है भाई, खतरनाक सा लग रहा है ये वाला, तो बिच्छू टाइप का लग रहा है, पता नहीं कैसा सा है, देखते हैं क्या ये मरा हुआ है क्या, पता नहीं जिंदा हुआ डबल से जॉम्बी बनेगा ये। अरे भाई ये तो नाइट इन द आर्मर, खतरनाक सा लग रहा है भाई नाइट ये। इतनी गोली चला ली, एक भी हेल्थ मतलब एक भी ऐसा बार जिसका कभी कम नहीं हुआ देखो। अरे बाप रे वो तो बहुत भयंकर चढ़ रहा, दो तीन क्लोज में निपट गई हैं, गए निपटा दिया भाई। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम मर चुके हैं, फिर से आ गए भाई बैक इन एक्शन, और बस तोप से मारेंगे, तोप से शॉट गन ले ली, अब शॉट गन से मारेंगे। रुक जा मुँह पे मारूंगा, रुक नहीं बच पाया, जल्दी निपटार आया यार। अब फिर से एक और बार ट्राई कर रहे हैं भाई, अब ये देखो घूम घूम के आता है यार। डॉज करूंगा बेटा, अब आ जाए, डॉज कर करके मारूंगा, डॉज करके मारूंगा। जा पास आ मैं भाई, अब खाऊंगा ही नहीं तेरे हाथ का एक भी फटका, खा लिया भाई। इससे पता है दूर से ही लड़ना पड़ेगा, पास जाओगे ना आपको निपटा ही देगा, दो ब्लोज में आप गए ये भाई। अरे खतरनाक है यार, देखो कोई गन की एमो देखो आपको खत्म होने वाली है, और ये इंसान नहीं जा रहा कहीं, इसमें कुछ भी नहीं होता। ईएमपी का देखो, ईएमपी से भी कुछ असर नहीं हो रहा उसको, इसको तो सिंपल गन से मारना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं कर सकते। गोली खत्म हो गई भाई, की भी 114 बचनी है एमोस, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, मुँह में मारूंगा। आ जा मारेगा मेरे को, मारेगा, आ जा। डॉच करते हिट मारते रहो, जैसे ही आपको टाइम मिले हिट मारो और डॉच करो, क्योंकि ऐसे नहीं जीत पाएंगे अगर इसको मारना है तो भाई, बहुत हेल्थ है इसकी, अभी तो आधी कर दी भाई हेल्थ इसकी, पूरी खत्म कर दूंगा आपकी जोर में, बनना नहीं चाहिए आपको। और अब एक ब्लो में ही तो भाई ढेर कर देगा ये आदमी, इसमें कोई मोड भी नहीं है ना कि इजी कर लो मीडियम कर लो, एक ही मोड है इसमें ये चल रहा है। ये साइड के चंगू वंगू भी आ रहा है यार, ज़ॉम्बी कैसे मारो भाई, ये लो इनको तोड़ा देता हूँ, दूर से उनको शॉट भी नहीं पड़ रहा है, शॉट गन के शॉटगन में यही दिक्कत है, पास से ही मरेंगे, भागना पड़ेगा, भागो बच्चों। ओ ये स्लैशिंग देखो जरा, स्लैशिंग पावरफुल स्लैशिंग भाई, तो भाई ये बिल्कुल ही
गदर नाइट है, गदर नाइट मतलब बिल्कुल वैसा फील दे रहा है गॉड ऑफ वॉर जैसा। गॉड ऑफ वॉर में जैसे मारते थे ना बड़े बड़े बॉसेस को, वैसा फील दे रहा है ये बिल्कुल का सेम टू सेम गेम। डॉच करते जाओ, हिट करते जाओ, डॉच करते जाओ, हिट करते जाओ, वही का वही फील आ रहा है सेम टू सेम। थोड़ी जल्द बची है, थोड़ी नहीं, गन के एमोस खत्म भाई साहब। अब कौन सी गन हो जाओ, उंगली से मारूंगा मैं, जो हाथ से मारूंगा उसका, छोटी गन से मारूंगा ये। अब तो भाई छोटी गन से मारना पड़ेगा, ये छोटी गन से खोपड़ी खोलते हुए हैंड गन। कमान कमान डॉच करो और मारो, डॉच करो और मारो बस। अरे यार एमओ तो दे देते यार, इसके किल कर रहा हूँ, एक भी एमओ नहीं मिला। चलो मर जाएगा ये, थोड़ी सी हेल्थ बची है, अपन को नहीं मरना है बस। यहाँ पे मर गया तो बहुत दुख होगा। ये देखो ये देखो, ये भाई साहब निपटा दिया है नाइट को। नाइट को निपटाते हुए यहाँ से निकलते हुए रफू चक्कर होते हुए, तो भाई ये नाइट को निपटाने के साथ ही ये गेम समाप्त होती है। आगे की गेम प्ले अगर आपको देखनी है तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको और ऐसी गेम की, इसी गेम की या ऐसे ही टाइप के और किसी गेम की वीडियोस देखनी है तो ये देख सकते हो आप। इन्होंने कमेंट किया था और मैंने इस गेम की वीडियो बना दी। अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई अंडररेटेड गेम है तो आप कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँ। और आप मुझे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे ही फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ डालता हूँ और टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है, उन दोनों जगह आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।